मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हमने बताया है व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे मैसेंजर ऐप्स के लिए जो है टक्कर देने के लिए अब गूगल ने अपना खुद का जो है एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसे जीमेल की मदद से जो है ऑपरेट किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। कैसे काम करता है और कैसे आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए दोस्तों। आपको जो है यहाँ प्ले स्टोर पर सर्च करना है गूगल चैट। आप जैसे ही गूगल चैट यहाँ पर सर्च करेंगे, आप ये देख सकते हैं 5 मिलियन प्लस से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया है। ये गूगल चैट लॉन्च किया गया है और यही है वो एप्लीकेशन जिसमें आप देख सकते हैं ये किस तरीके से आप सेम टू सेम व्हाट्सएप की तरह जो है चैट कर सकते हैं अपने अलग अलग जो है ईमेल आईडी की मदद से। इसमें क्या कैसे काम करता है, चैट का ऑप्शन आप देख रहे हैं, रूम्स का ऑप्शन आप देख रहे हैं। आप यहाँ से जो है इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के साथ ही दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं इंटरफेस आपको एक बार समझा देता हूँ। जहाँ आपको मेरी फ़ोटो दिख रही है राइट टॉप में, यहाँ से आप जिस भी आईडी से लॉगिन करना चाहते हैं उस आईडी से आप यहाँ लॉगिन करेंगे। आप यहाँ स्टेटस देख रहे हैं, एक्टिव स्टेटस दिख रहा है। आप यहाँ पर नोटिफिकेशंस को इन दिए गए समय के अनुसार जो है म्यूट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर जो है सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है। नीचे आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, चैट जो कि आपके सामने दिख रहा है, इसके बाद है रूम्स का ऑप्शन, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, इसके बाद आपको दिख रहा है न्यू चैट। आप किसी से यहाँ पर चैट करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, न्यू चैट पर जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है, वो ईमेल आईडी जिससे आप बात करना चाहते हैं उसकी। जैसे ही आप ईमेल आईडी लिख देंगे, ये देखिए ईमेल आईडी लिखते से ही आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप देख सकते हैं ये मैसेजिंग एप्लीकेशन ओपन हो गई है। ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ इसका इंटरफेस क्या है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों, जहाँ टेक्नोलॉजी विद विवेक लिखा आ रहा है, यहाँ पर आप और सारे पीपल्स को जो है ऐड भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि यहाँ पर इसका जो है एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाएगा और इसमें ही हमें जो है आगे की प्रोसेस करने का मौका मिलेगा। अब दोस्तों हमें करना क्या है, हमें जो करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से देखिए, ये आप यहाँ लिखा रहा है हिस्ट्री इज़ ऑन। अगर हिस्ट्री इज़ ऑन रहेगी, इसका मतलब ये कि ये सारे मैसेज यहाँ सेव रहेंगे दोनों एंड्स पे। हम देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो हमने मैसेज लिखा, अब ये मैसेज जो है उस पर्टिकुलर जो आपको आईडी दिख रही है, जिस आईडी को हमने भेजा है, ये देखिए ऊपर नोटिफिकेशन दिख रहा है आपको। ये भी कैसे प्रोसेस होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये मैसेज भेजने के तरीके हैं, नीचे कुछ ऑप्शन हैं दोस्तों, जिसमें कि आप ये देख सकते हैं। आप जैसे ही गैलरी को अलाउ कर देंगे यहाँ से, तो आपको जो है यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ से ये कैमरा आप ओपन कर सकते हैं पिक्चर्स लेने के लिए। इसके बाद जो है आप यहाँ गूगल ड्राइव का ऑप्शन देख रहे हैं। नेक्स्ट आप गूगल ड्राइव पर ये जाने के साथ जो है आपको ड्राइव के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे और यहाँ से आप गूगल ड्राइव भी अपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो शेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट आपको जो वीडियो कॉलिंग के लिए दिख रहा है, एक्चुअली दोस्तों ये गूगल मीट को इन्होंने यहाँ पर मर्ज कर दिया है। गूगल वीडियो मीटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप जैसे ही सेंड करेंगे तो ये देखिए ये सेंड हो गया है और ये एज इट इज़ सेम मैसेज वहाँ चला गया है, जिससे कि इजीली सामने से भी ज्वाइन करके वीडियो कॉल किया जा सकता है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, ये मर्ज किया गया है गूगल कैलेंडर को। यहाँ से गूगल कैलेंडर ओपन हो रहा है, ये प्रोसेस होगा। गूगल कैलेंडर ओपन होने के बाद आप कोई भी मीटिंग करना चाहते हैं, कैलेंडर में कोई भी पहले से ऑप्शन दे रखा होगा उसको आप शेयर कर सकते हैं और आप यहां पर क्लिक करने के बाद जो है गूगल कैलेंडर को भी यहां से शेयर कर पाएंगे। ये एक सिंपल सा ऑप्शन था दोस्तों। इसके बाद आपको जो दिख रहा है टेक्नोलॉजी विद विवेक, जो मेरी दूसरी आईडी है, इसके आगे जो आपको एक एरो दिख रहा है, यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ और ऑप्शंस दिखेंगे। जैसे आप कोई न्यू चैट स्टार्ट करना चाहते हो, मैंने इसको पिन कर रखा है इस चैट को, आप यहाँ से इसको अनपिन कर सकते हैं और पिन कर सकते हैं। आप नोटिफिकेशन को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं,
हिस्ट्री आप जैसे ही ऑफ कर देंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ एक मैसेज लिखा आ रहा है कि जो भी मैसेज आप इस कन्वर्सेशन पर भेजने वाले हैं वो 24 घंटे तक उपलब्ध रहेगा और 24 घंटे के बाद स्वतः ही वहाँ से डिलीट हो जाएगा। आप इस यूज़र को ब्लॉक भी कर सकते हैं, आप पूरे के पूरे कन्वर्सेशन को हाइड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। हाल फिलहाल आपको ये दो मेंबर्स दिख रहे हैं जिनके बीच में बात हुई है, ये हमारी दो अलग अलग आइडिया हैं। अब मैं पीछे आता हूँ और पीछे आने के साथ आप देख रहे हैं एक मिनट पहले जो मैसेज किया गया था, इसके बाद आपको पास में दिख रहा है चैट के पास एक रूम्स का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ रूम्स पर आने के बाद देखिए कोई भी रूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्लस न्यू रूम का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो है एक रूम को क्रिएट करेंगे और एक से ज़्यादा लोगों को यहाँ ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद दोस्तों आप सभी वो काम कर पाएंगे जैसे कि वीडियो कॉल करना, जो मीट के थ्रू आप गूगल कैलेंडर के थ्रू मीटिंग्स वगैरह शेयर कर पाएंगे। तो इस तरीके से इसको चलाना बड़ा ही आसान है और बहुत ज़्यादा ये प्राइवेसी से भरा हुआ है, सिक्योर भी है, काफ़ी अच्छा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो आपका जो जीमेल का हम कह सकते हैं एप्लीकेशन है जो बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल में इंस्टॉल होकर आता है और जो डेस्कटॉप पर जीमेल को चलाते हैं वो किस तरीके से इसको एक्सेस कर पाएंगे, मैं आपको ये मैसेजेस और ये दोनों चीज़ें वहाँ चल कर दिखाता हूँ। हमें करना क्या है, हमें दोस्तों यहाँ से चलना है हमारे जीमेल के जो है ऑप्शन में, ये हमारा जीमेल ओपन हो गया है। जीमेल ओपन होते ही हम उस आईडी को ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों नीचे आपको ये कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, आप लोगों के में जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दिखते हैं वो दिखते हैं मेल्स के और मीट के। मैं दिखा देता हूँ ये कैसे करना है। हमें यहाँ जाना है, जो आप तीन यहाँ पर लाइन देख रहे हैं इस पर आपको सबसे नीचे सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद जो है दोस्तों आपको उस आईडी को सिलेक्ट करना है जिस आईडी पर जो है आप ये चैटिंग वगैरह को इनेबल करना चाहते हैं। यहाँ आपको जनरल में दिख रहा होगा चैट, जिसको कि मैंने यहाँ पर क्लिक कर रखा है, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। जैसे देखिए अपडेट होगा, रीस्टार्ट होगा, अब आप देख पा रहे हैं नीचे सिर्फ दो ऑप्शन दिख रहे हैं, मेल का और मीट का। ये आप लोगों जब अपना जीमेल ओपन करते हैं तो वहाँ आपको ये दो ऑप्शन दिखते हैं, आपको इनेबल करने के लिए सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको उस आईडी को सिलेक्ट करना है। आईडी सिलेक्ट करने के बाद आपको जनरल में जाने के बाद चैट के ऑप्शन को क्लिक कर आप जैसे ही कर देंगे तो यहाँ लिख रहा है शो द चैट एंड रूम स्टेप्स, यहाँ क्लिक करेंगे आप, ओके करेंगे, ये रीस्टार्ट होगा और रीस्टार्ट होते ही आप देख सकते हैं नीचे आपको ये चार ऑप्शन दिखना शुरू हो गए। अब आपको यहाँ से चैट पर जाना है। जैसे ही आप चैट पर जाएंगे तो जो मैसेज मैंने अभी उस एप्लीकेशन से भेजे थे वो आपको यहाँ से दिखने शुरू हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं जो भी मैसेज मैंने भेजे हैं, हिस्ट्री टर्न ऑन ऑफ़ की है, गूगल मीट का एक लिंक भेजा है, यहाँ से हिस्ट्री ऑफ है क्योंकि वो मेरे सेम अकाउंट से चल रही थी। आप दोस्तों अब आप यहाँ से आप भी जो है ऑप्शन में यहाँ से मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे सेम ऑप्शन है, ये देखिए ऊपर मेरे को गूगल चैट का नोटिफिकेशन आ गया है कि ये मैसेज इस आईडी से किया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर बात करना काफ़ी आसान है। ये चैट है, ये रूम्स हैं, यहाँ पर आप रूम बना सकते हैं एक से ज़्यादा लोगों के लिए। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन गूगल ने लॉन्च किया है और गूगल की मदद से जो है व्हाट्सएप को जितने भी लोग छोड़कर आ रहे हैं उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है गूगल चैट। और गूगल चैट का इस्तेमाल करके आप वो सभी काम कर सकते हैं जो काम आप व्हाट्सएप पर चैट के लिए करते थे या ऑफिशियल कामों के लिए करते थे। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों में, परिवारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।